पवन एंड आर वॉचिंग स्टडी को पता किया जा चुका है, और इसका सबसे जो पड़ा है वो नीट और जेई के एग्जामिनेशन को लेकर पड़ा है इसी के देखते हुए ने एक किया है किसको लेकर जेई मेन के जनवरी वाले सेशन को लेकर जेई मेन का जो जनवरी में एग्जाम होता है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन उसको लेकर और नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को लेकर अपडेट क्या है कि एन टी ए ने इन एग्ज़ाम्स के रिव्यू को करने रिव्यू करने के बारे में सोचा है यानी कि जेई मेन के जो जनवरी का सेशन है जनवरी का एग्ज़ाम है उसको ख़तरा हो सकता है वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल किया जा सकता है हालांकि नीट 2021 के बारे में अभी तक नहीं बोला जा सकता लेकिन हाँ जेई मेन के जो जनवरी का सेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरा है एग्ज़ाम के कैंसिल होने को लेकर हो सकता है कि नीट 2021 में ये जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में दोनों ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा लिया जाए क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि एग्ज़ाम्स को बार बार पोस्टपोन किया जा चुका है और पोस्टपोन करने के बाद एग्जाम इतने ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि आने वाले अकेडमिक सेशन को इनका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस बारे में द इंडियन एक्सप्रेस और द जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके बारे में एक आर्टिकल रिलीज़ किया गया है जिसमें लिखा है कि एन टू रिव्यू जेई मे इन जनवरी एंड नी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आफ्टर स्कूल रीओपन जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे उसके बाद एन टी इस बारे में रिव्यू करेगा और अपना जो अनाउंसमेंट है वो एच आर डी मिनिस्टर को सौंपेगा ठीक है पूरा देखते हैं कि क्या लिखा गया है न्यू डेली की न्यूज है एज स्कूल कंटिन्यू टू रिमेन शट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज हैव बीन रिपीटेडली पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड नाइनटीन पेंडेमिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिसाइडेड टू टेक ए रिव्यू ऑफ द जनवरी साइकल ऑफ जई मेन आफ्टर द स्कूल रिओपन एंड अदर द जई मेन वॉज़ कन्वर्टेड टू टू इज एयर अफेयर इन टू थाउजेंड नाइनटीन जनवरी एंड एप्रिल The computer-based competitive exam for April 2020 had to be postponed to ease due to the COVID-19 outbreak and is now slated to be held in September. In review of the delay, the testing agency plans to review the January 2021 exam. A senior official in the HRD minister said and will take a call depending on the prevailing situation after the school reopen, the agency will also have to take into consideration board exams specially of cbsc and whatever the 2021 board exam can be conducted in february the official said any further or postpone postpone of reopening of school and other school exam will impact the schedule of jain as well as need to UG of 2021. The other exam likely to be impacted are national level entrance exams such as Common Management Admission Test (CMAT) and GPAT, which are conducted around the last week of January, beside UGC NET of December 2020. Oh, बोला गया है, guys. NEET and JEE के अलावा भी ऐसे exams हैं जिन पर इनका impact देखने को मिल सकता है, जैसे कि CMAT हो गया, GPAT हो गया, और specially UGC NET जो कि December 2021 में 2020 में होने वाला है, उस पर. इसका एक बुरा इफेक्ट जो है हाँ हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि आप सभी को पता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और सिचुएशन के चलते अभी तक नी टू थाउजेंड ट्वेंटी और जेई मेन टू थाउजेंड ट्वेंटी के एग्ज़ाम्स को ही कंडक्ट नहीं करवाया गया है हालांकि एग्जाम डेट दी गई है सितंबर में लेकिन वो भी डिपेंड करेगी करंट सिचुएशन पर डिपेंड हालांकि दो मंथ्स हैं सिचुएशन सुधर भी सकती है लेकिन वो डिपेंड करेगी सिचुएशन अगर सिचुएशन सही रहती है तो उन एग्जाम्स को कंडक्ट करवा लिया ले जाएगा लेकिन फर्दर पोस्टपोन होता है तो आपका जेई मेन का जो जनवरी वाला सेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है हालांकि नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पर इसका ज़्यादा इफेक्ट में भी देखने को नहीं मिलेगा बाकी क्या रिस्पॉन्स रहता है एन टी ए की तरफ से वो रिस्पॉन्स स्कूल्स के रीओपन होने के बाद ही दिया जाएगा रिस्पॉन्स क्या रहता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे फिलहाल आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट अपडेट्स आप सभी को इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो मेडिकल के और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड एवरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड लक यार एंड हैव अ नाइस डे